हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकास किचन। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी भुना चिकन। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में ही बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ढाबा स्टाइल भुना चिकन बना के रेडी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ चल के देखते हैं मेरे इस वीडियो में। मैंने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन ले लिया है और यहाँ पे 2 मीडियम साइज प्याज को स्लाइस में कट के रखा है और यहाँ पे 100 ग्राम दही ले लिया। अभी मैं इस चिकन में 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अभी इन सारी चीज़ों को मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अभी मैं यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें 2 टीस्पून धनिया ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 3 इलायची और 5 लौंग। अभी मैं इन सारी चीजों को हल्का रोस्ट कर लेती हूँ। मैंने 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, 5 मिनट हो गए हैं, पूरा ठंडा हो गया। अभी मैं इसको मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लूंगी। अभी मैंने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल दे दिया है। मैं इसमें में थोड़ा सा सूखा लाल मिर्च डाल रही हूँ। अभी मैंने जो प्याज कट के रखा था वो ऐड करी इसमें। अभी इस प्याज को आप अच्छे से लाल होने तक भून लीजिए। देख लीजिए, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी इसमें मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट दे रही हूँ और इसको भी मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेती हूँ। 2 मिनट हो गया है, अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया है। अभी मैंने जो चिकन रखा था वो डाली इसमें। अभी आप गैस का फ्लेम बढ़ा के 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से भून लीजिए। 5 मिनट हो गया है। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और मैंने जो मसाला को पाउडर बना के रखा था मिक्सी में वो ऐड करी इसमें। और यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज टमाटर को मिक्सी में प्यूरी बना के रखा है वो डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करी। अभी इन सारे मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसको मैं गैस का फ्लेम मीडियम रख के 5 मिनट के लिए मैं ढक के इसको कुक होने दूंगी। ये देख लीजिए, 5 मिनट हो गया, मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ। अभी मैं चिकन में मैंने जो दही रखा था वो डाल रही हूँ। दही को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ चिकन के साथ। मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए और कुक होने दूंगी चिकन को। ये देख लीजिए, 5 मिनट हो गए, मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ। ये देख लीजिए, हमारा चिकन भुना बनके एकदम रेडी है। अभी लास्ट में मैं थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता ऐड करी उसमें। इसको अच्छे से मिला लीजिए। अभी मैं गैस को बंद करके आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारा भुना चिकन बनके एकदम रेडी है। मैंने इसको सर्व कर लिया है। इसको आप गरम गरम रोटी पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए मुझे आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी इस रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।